गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 100 के नीचे आ रहे हैं। शनिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 87 नए मरीज मिले हैं। खास बात यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद जिले में संक्रमितों की आंकड़ा 18,522 पहुंच गया है। इनमें 17,067 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 304 ही है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 1,181 रह गई है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। संक्रमितों की बात करें तो राम जानकी नगर में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। इनमें 2 साल का एक मासूम भी संक्रमित निकला है। इनके अलावा BRD मेडिकल कॉलेज के 3, अस्थायी जेल के 5, मुगलहा में एक ही परिवार के 2, जमरू में एक ही परिवार के 5, चौहान टोला जंगल हाकिम नंबर 22 में एक ही परिवार के 2 लोग, मोहद्दीपुर में एक ही परिवार के 2 लोग संक्रमित मिले हैं। इसकी पुष्टि डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जाँच रोजाना 4,000 से 5,000 के बीच है। एंटीजन और RT-PCR की जाँच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं या बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच लगातार की जा रही है। शहर की बात करें तो महज 30 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 18 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ 4, राजघाट, रामगढ़ताल में 1-1, कैंट थाना क्षेत्र में 6 मरीज मिले, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 43 नए मरीज मिले हैं। इसमें बांसगांव, भटहट, गगहा में 1-1, बड़हलगंज, पिपरौली, कौड़ीराम, सहजनवा में 2-2, ब्रह्मपुर में 6, चरगावा में 20, खुराबार, सरदारनगर में 3-3 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 14 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित।